हेलो गाइस, वेलकम टू फूड फन एंड फैक्ट्स विद वर्षा इन हिंदी। आज हम बनाने जा रहे हैं मारवाड़ी स्टाइल मिर्ची का कूटा। मिर्ची का कूटा एक तरह से, जैसा कि नाम है, कूट के बनाया जाता है। जैसे हमने महाराष्ट्रन ठेचा बनाया था, वैसे ही मिर्ची का कूटा होता है। थोड़ा अलग होता है, एक्चुअली काफी अलग होता है। इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अलग होते हैं और हरी मिर्च ना खाने का स्वाद ही बढ़ा देती है। अगर हरी मिर्च के आप कुछ भी बनाते हैं, टिपोरे बनाते हैं या फिर आप कूटा बनाते हैं या ठेचा बनाते हैं, थोड़ा सा भी अगर आप सर्व करते हैं ना तो खाने का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमने क्या क्या लिया है। यहाँ मैंने करीब पाव भर लंबी वाली मिर्च ली है, जो कम तीखी होती है, क्योंकि ये एग्जैक्टली ऐसे ही खाया जाता है, तो हम ज़्यादा तीखा नहीं लेना चाहते। इसके अलावा एक बड़ी चम्मच भर के नारियल का चूरा मैंने किया है, वो लिया है। एक छोटी चम्मच राई, छोटी चम्मच मैंने सौंफ ली है, छोटी चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, बड़ा चम्मच मैंने लिया है सरसों का तेल, नमक, और मैंने दो छोटी चम्मच मैंने ये जो है मेथी के दाने, वो मैंने लिए थे, जिसे भिगो दिया है, जैसे ये फूल गई है तो ये भी रेडी है। और एक छोटी चम्मच ली है कलौंजी। मसाले ज़्यादा करेंगे तो, अगर हम जो भी ये कलौंजी मेथी ज़्यादा ले लेंगे तो ये बहुत मसालों का बहुत टेस्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हमें ऐसा नहीं करना है। तो चलिए इस जो मिर्ची है जिसे हमने धो के रेडी कर लिया है, डंठल निकाल लिया है, इसे पोंछ के इसका कूटा बनाते हैं। कूटा मीन्स आइदर आप उसमें कूट सकते हैं या फिर मिक्सर में पल्स मोड पर इसका दरदरा सा कूट तैयार कर लेते हैं। ये हमारा मिर्ची का कूट बन के रेडी है। एक आधा लंबा रह गया है, विच इज़ ओके, थोड़ा फ्राई होने के बाद वो भी अच्छा लगेगा। देखिए दरदरा सा हमने मिर्ची को कूट लिया है, मैं टच नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में ये सरसों का तेल डाल देंगे, फ्लेम को ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि हमें इसमें धुआं आना चाहिए। सरसों के तेल को जब भी हम यूज़ करते हैं तो धुआं आने तक इसे गर्म करना होता है। तेल में से धुआं निकलने लगा है, इस टाइम पे गैस सिम कर देंगे और थोड़ा सा से ठंडा होने देंगे, अदरवाइज मसाले जल जाएंगे। मैं डाल रही हूँ राई, राई को तड़कने देंगे, इसी में ही कलौंजी, गैस को सिम ही रखना है, सौंफ और जीरा और सौंफ, हल्दी भी डाल देंगे और चला देंगे। इमीडिएटली इसमें हम डाल देंगे सोख की हुई मेथी के दाने। मेथी दाना करीब आधा मिनट पकाने के बाद इसमें हम ये मिर्ची का कूट डाल देंगे। अब क्योंकि ये मेथी दाना और सब साथ में पकेंगे, हल्का सा ही चलाया है हमने, और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, इसे मिक्स कर लेंगे और इसे करीब दो मिनट पकाने के बाद एंड में गैस बंद कर लेंगे और डाल देंगे नारियल का चूरा। ये हमारा सर्व करने के लिए रेडी हो जाएगा तीखा मसालेदार मिर्ची का कूट। देखिए मिर्ची का कूटा बनकर रेडी हो गया है। मिर्ची का कलर ही चेंज हो गया है, डार्क ग्रीन से एकदम ये अब पकी हुई मिर्ची जैसा कलर हो गया है इसका, ब्राउनिश हो गया है, गोल्डनिश हो गया है। तो इस टाइम पे मैं गैस बंद कर दूंगी और इस टाइम पे हम ये डाल देंगे नारियल का चूरा, मिक्स कर लेंगे और इसे आप पैक करके फ्रिज में रख सकते हैं और करीब एक हफ्ता खा सकते हैं। हमारा मिर्ची का कूटा बनके रेडी है, इसे आप फ्रिज में रख दीजिए तो ये आराम से एक हफ्ते तक रहता है, बिल्कुल खराब नहीं होता है। और सर्व करते टाइम इसमें दो तीन बूंदे नींबू के रस डाल दीजिए, बहुत ही अल्टीमेट टेस्ट हो जाता है इसका। आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलती हूँ अगले एपिसोड में। बाय बाय।